मंडी जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एक नया आयाम जोड़ते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर बालिका गौरव उद्यान योजना शुरू की जाएगी। ये जिला प्रशासन का बच्चियों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने का एक और अभिनव प्रयास है। मंडी जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एक नया आयाम जोड़ते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर बालिका गौरव उद्यान योजना शुरू की जाएगी। ये जिला प्रशासन का बच्चियों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने का एक और अभिनव प्रयास है। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि ये योजना जिला में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ प्राकृतिक असंतुलन ठीक करने में सहायक होगी। अगले कुछ दिनों में योजना शुरू कर दी जाएगी, इसके लिए जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। आशुतोष गर्ग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कार्यान्वयन के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बालिका गौरव उद्यान योजना के तहत जिला प्रशासन हर पंचायत में बेटियों के नाम पर उद्यान स्थापित करेगा। इसके तहत हर पंचायत में निर्धारित स्थल पर संबंधित पंचायत की सभी बच्चियों के अभिभावक बेटियों के नाम पर पौधे लगाएंगे। इसमें संबंधित वीडियो बाल विकास परियोजना अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाएगा। इस प्रकार विकसित उद्यानों की देखरेख ग्राम पंचायतें मनरेगा के तहत सुनिश्चित करेंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य जिला में लिंगानुपात में सुधार लाना और बच्चियों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाना है। इसके लिए सामाजिक सहभागिता की भावना को प्रगाढ़ करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जिला में स्त्री कार्यक्रम के तहत भी महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। जनमंच कार्यक्रमों में प्रोत्साहन स्वरूप बच्चियों के अभिभावकों को बधाई पत्र व उपहार देने के अतिरिक्त एक बूटा बेटी के नाम मुहिम में बेटी के नाम पर पौधारोपण भी किया जाता है। आशुतोष गर्ग ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से समाज में बेटी व बेटों के बीच भेदभाव की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। जिला के जिन क्षेत्रों में लिंगानुपात में काफी अंतर है, वहां कला जत्थों आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो वी कैन ऐड सम मोर थिंग्स एंड वी कैन आल्सो रिमूव सर्टेन थिंग्स। इन चीज़ों में हमारे को लगा कि इतना एक्टिवली महिला मंडल नहीं कर पाएंगे उसमें, तो आप लोगों के सजेशन भी मैं चाहूँगा जितने भी सी डी ब्यूज और डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं कि खासकर स्त्री को लेकर यू फील दैट देयर इज समथिंग जो उसमें मिसिंग था जो हम ऐड कर सकते हैं, तो उसमें ये एक चीज को हम डेफिनेटली वी कैन ऐड दिस। ये एक पर्टिकुलर पंचायत के लेवल पे फिर एक इंसेंटिव हो सकता है एट द लेवल ऑफ मे बी महिला मंडल आल्सो वी कैन डू दिस कि जहाँ पे जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की रिपोर्टिंग ज़्यादा रहेगी बेहतर रहेगी दी हाईएस्ट परसेंटेज वी हैव इन अ पर्टिकुलर पंचायत वी कैन रिवॉर्ड दोस पंचायत सो दैट शुड एक्ट एज इंसेंटिव। बट यस वो वहीं पर रहेगा जहाँ से प्राइमरली रीजन इज पी सी पी एन डी टी एक्ट, तो आई थिंक उस हद तक तो उस तरह के इशू को टैकल करने में दिस शुड मैक्सिमम पंचायत लैंड की आइडेंटिफिकेशन हो भी चुकी है कि चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड जहाँ पे प्लांटेशन होनी है, या कोई पंचायत की अपनी लैंड हो सकती है जिसमें पंचायत अपने कुछ रिसोर्सेज जनरेट करना चाहिए। सो उस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड में हम लोग ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन क्योंकि इसी समय ये एक्टिविटी होनी है, तो वहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ हैं उनके पेरेंट्स विल बेसिकली वो एक एक प्लांट जो है वहाँ पे एक एक ट्री या कोई फ्रूट बेयरिंग भी ट्री हो सकता है उसको प्लांट करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसी लैंड है। फॉरेस्ट लैंड है तो वहाँ पे ट्रीज हो सकते हैं, अगर वो मान लो पंचायत की अपनी लैंड है जिसमें कोई दे वॉन्ट टू हैव सम डेवलपमेंट एज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम इन फ्यूचर, तो वो चाहे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज लगाए चाहे उस तरह के ट्रीज लगाएं जो वहाँ लग सकते हैं। सो ऐसे ट्रीज आइडिया इज कि उन बच्चियों को उस उद्यान के साथ एक तरह से लिंक किया जाए, तो उनके पेरेंट्स वो प्लांटेशन करेंगे वहाँ पे, उसकी पूरी प्लांटेशन वाले एरिया की फेंसिंग की जाएगी सो दैट जो स्ट्रे कैटल की वजह से इस अर्ली स्टेज में हो सकता है कि उनको नुकसान हो जाए, तो हम लोग उसकी फेंसिंग भी करवाएंगे ताकि उसको इट शुड सस्टेन। एंड बिकॉज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इमोशनल बॉन्ड या एक तरह से
इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तोकटा ने जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला कार्य योजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अजय कुमार यादव, जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर, खंड विकास अधिकारी शेफाली सहित समस्त खंडों के बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।